छत्तीसगढ़ एंट्री कर चुके हैं। बारिश हो रहा था तो इसलिए रेनकोट पहना था, अभी रेनकोट खोलना पड़ रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है। रेनकोट खोला पड़ रहा है, अभी खोलेंगे। अभी छत्तीसगढ़ एंट्री कर चुके हैं, अब आगे जाके अगर छत्तीसगढ़ कोई बोर्ड देगा तो वहाँ पर आप लोगों को अपडेट देता हूँ। ओके बाय गाइस। हाँ तो गाइस, आप मेरे पीछे जो ढाबा देख रहे हो वहाँ पर जगह नहीं मिला, तो अभी बोले कि यहाँ पर सब आदमी लोग आते हैं खाते हैं तो जगह रहेगा ही नहीं सोने का। उन्होंने कहा कि आगे 7-8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के अंदर होगा ढाबा, तो वहाँ पर जाके एक बार हम चेक करते हैं। अभी देखते हैं और आगे जाते हैं, चेक करेंगे। हाँ तो गाइस, आगे कोई जगह नहीं मिल रहा है, तो एक छोटा सा गुमटी है, एक तो ये बाहर हाईवे है, तो यहाँ पर जगह अभी तक, मतलब जो मालिक है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि खुश तो हुए हैं, वो आगे बात कर रहे हैं थोड़ा देर में, तो देखते हैं कि जगह मिलता है कि नहीं। यहाँ छोटा सा देखते हैं, यहाँ रूम तो है आगे, इधर है, देखते अगर मिल जाएगा तो अच्छा है, देख लेते क्या होता है। हेलो गाइस, अभी मैं तकरीबन 90 किलोमीटर पहले रायपुर से हूँ, कल सुबह रायपुर में यहाँ, तो एक भैया है जिनके एक, मतलब क्या बोले, मतलब उनका दो एक दुकान है जिसमें से नाश्ता का सामान मिलता है, और जहाँ नाश्ता मिलता है, मतलब जहाँ बनता है, उसमें एक जगह है जहाँ पर स्टाफ्स भी रहते हैं, तो भैया ने मुझे रहने का जगह दिया, वो भैया से आपको मिलाता हूँ। हाय, नमस्कार। और भैया आप बताइए, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से ज़रा बता दीजिए। हाँ एक्चुअली मेरा नाम संजय कुमार है और मैं दुर्गा का रहने वाला हूँ, जो कि 3 साल से मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे नेशनल ही चला रहा हूँ। एक्चुअली भैया हमारे मिले और बड़ी खुशी की बात है कि हम यहाँ इनसे हमारी मुलाकात हुई, हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ रुके, और जो कि छोटी मोटी व्यवस्था हमारे यहाँ जो भी है, अरे सच, इनको रुकने के लिए हमने बोला और आज हमारे यहाँ आज हमारे नाइट स्टे करेंगे, हमारे यहाँ खाना खाएंगे, पूरी व्यवस्था हमारे इनकी तरफ से रहेगी, और जो भी मदद मिले हम तहे दिल से इनके लिए आभारी है और बड़ी ही ईमानदारी से कल इनको विदा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आपका दुकान का नाम बता दीजिए। हाँ एक्चुअली आइए, मैं आपको दिखा दीजिए, इधर बाहर आते हैं, ये है सामने हमारी दुकान दिख रही है, ये आप तो देख रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि हमारी दुकान है वहाँ पे। ये हमारा बेस किचन है। क्या नाम बताए फिर से बताइए भैया। हाईवे नेस्ट मिनी, हाईवे 53 मुंबई टू कलकत्ता जो हाईवे पड़ता है। बहुत ही अच्छा नाश्ता मिलता है, आप लोग जब भी इस रास्ते से गुजरेगा, भैया का अपना चेहरा दिखा देता ताकि आप पहचान सके। ये देखिए इनके दुकान में बहुत ही अच्छा नाश्ता मिलता है, स्वादिष्ट मिलता है, आप आइए इनके दुकान में खाइए, और बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा चीज़ बहुत ही प्यार मिलता है इनके दुकानों के साथ और इनके साथ भी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो भी इस रोड से जाइएगा, लेकिन इनके दुकान के सामने आके नाश्ता ज़रूर कीजिए, धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि रात को मैं कहाँ रुक रहा हूँ। मैंने आपको कहा था जैसे वहाँ पर रुका हुआ, तो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ कैसे दिखता है, आप देख रहे हो, छोटा सा गुमटी टाइप का दिख रहा है, बांस, खाली बांस का ये ज़्यादा होगा, तो एकदम हाईवे को पास देखिए, एकदम हाईवे देखिए, अभी एक ट्रक क्रॉस होगा और आप देख रहे हो उधर, वहाँ से एक टोल है एकदम सामने, मतलब आधा किलोमीटर का अंदर ही, 400 मीटर का अंदर एक टोल है। तो यहाँ पर हम रह रहे हैं अभी, यहाँ से हम कल सुबह निकलेंगे रायपुर, रायपुर यहाँ से आपका तकरीबन 90 किलोमीटर है, जो मैं कवर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जो सर उनके लिए मैं बहुत ही थैंक्स करता हूँ उनको, उन्होंने मुझे रहने का जगह दिया, और ऐसे अगर हेल्प मिलता है तो काफ़ी अच्छा है। तो ढाबा में मैंने ट्राई तो किया था, मिला तो नहीं, तो मैंने यहीं देखा, तो भैया ने मुझे बहुत हेल्प किया, थैंक्स टू हिम। Oh,
हेलो गाइस, अभी थोड़ा देर पहले मैंने डियर देखा, अनएक्सपेक्टेड डियर देखा, मतलब कम से कम 10-12 थे, तो उनको रुक के तुरंत मैंने वीडियो करने किया, सब भाग गए सर जंगल के अंदर सब भाग गए, डर गए होंगे, तो मैं आप लोगों सबको दिखा पाता। अनएक्सपेक्टेड मैंने डियर देखा, सब एकदम बहुत नज़दीक थे, तकरीबन 20 कदम के नज़दीक पर थे, तो जैसे ही मैं मोबाइल उठा के लेने लगा वीडियो, भाग गए उन लोगों को लगा कुछ बंदूक बंदूक निकाल रहे हो सकता है, मतलब अच्छा था लेकिन देखने में, मैं को दिखा पाता लेकिन दिखा तो नहीं पाए, खैर देखते आगे कुछ अगर हो तो दिखाए। हाँ तो गाइस, भालू तो दिखा नहीं, हाईवे आ गए, लेकिन जगह तो बहुत ही मतलब डेंजरस था, क्योंकि सब पूरा सुनसान था और एक भी आवाज़ नहीं आ रहा था, मुझे बीच में से लगा कहीं से निकल ना जाए तो अभी आगे पड़ता है ये रायपुर से कम 80 किलोमीटर पहले पड़ता है, अभी यहाँ से रायपुर 80 किलोमीटर है और आगे बढ़ते हैं तब। हेलो गाइस, अभी ढाबा में है, खाने बैठे हैं, एकदम रोड के ऊपर एक पंजाबी ढाबा है, तो बहुत दिनों बाद एक ही सुबह, जब भी हम मतलब अब जमशेदपुर में रहते थे घर में, हम रोज़ सुबह ऑमलेट खाते थे, तो ऑमलेट बहुत दिन हो गया नहीं खाया, तो एक ऑमलेट ऑर्डर किया और साथ में तड़का दाल है और तंदूरी रोटी है, ये रोटी है, तड़का दाल है और ये ऑमलेट, तो अब खाएंगे यहाँ से, 50 किलोमीटर और है रायपुर, पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो पहुँच जाएंगे जल्दी, खाते हैं उसके बाद पेट भरेगा तो आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, खाते हैं अभी, बाद में मिलते हैं। हाँ तो गाइस, अभी रायपुर जाने वाले और 10 किलोमीटर है, मतलब जा ही नहीं पा रहे, शहर के सामने जितने भी लोग आ रहे बोर्ड देख रहे ऑल इंडिया टूर फ्रॉम टाटा, रोक रोक के खाली सेल्फी ले रहे, जो 10 किलोमीटर में आधे घंटे में करता था या 45 मिनट में करता था, एक घंटे के ऊपर हो गया, जा ही नहीं पा रहे, आदमी रोक रहा है और सेल्फी ले रहा खाली। चलिए अभी और 10 किलोमीटर है, जल्दी जल्दी भागता हूँ, शाम होने को भी आया, सूरज चलने लग गया है। ठीक है, तो अभी पहुँच के आपको मैं अपडेट देता हूँ। हाँ तो गाइस, रायपुर पहुँच गए, ये एक लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पर एक अंकल जिसके घर में रहने वाला हूँ 3 दिन, वहाँ पर आने बोले, लैंडमार्क दिए हैं, बोल रहे कि आ रहे 5 मिनट में, अभी यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, तो अभी थक तो गए हैं लेकिन अभी आ गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में, उसके बाद उनके साथ चलते हैं। गाइस, रायपुर में पहुँच गया हूँ और एक अंकल है जिनका नाम है अमिताभ पाठक, तो उन्होंने मुझे ये एक फ्लैट दिया खाली, वो एक कॉलोनी में रहते हैं जो रायपुर में ही है, और ठीक उनके ऊपर एक मुझे फ्लैट दिया, तो ये तो एक हॉल हो गया, और फिर यहाँ पर हम लोग जाते हैं, ये एक अटैच बाथरूम है, कॉमन बाथरूम सॉरी, और एक ये रूम है और एक ये रूम मुझे मिला है, यहाँ पर मैंने अपना बैग रखा हुआ है, सारे कपड़े धो दिए, और अभी ये बेड मुझे मिला है, सबसे बड़ी बात है चार्जिंग पॉइंट एकदम सर के सामने, मज़ा आएगा आज तो यहाँ पर मैं 3 दिन रुकूँगा और उसके बाद मैं और इसके आगे मैं विशाखापट्टनम जाऊँगा, तो थैंक यू अंकल। हेलो गाइस, अभी अंकल के साथ मार्केट में आए, आलू और प्याज ले, तो अंकल वो देखिए आ रहे हैं, सब्जी वब्जी ले रहे, देखता है घर में क्या बनता है।
हेलो गाइस एवरीबॉडी, अभी मैं सुबह उठ चुका हूँ रायपुर में, मॉर्निंग फर्स्ट मॉर्निंग इन रायपुर, और जो फ्लैट में मैं हूँ ये सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अभी यहाँ से देखते हैं कहाँ जाएंगे। ओह नो, मैंने एक दो चीज़ डिसाइड किया है। टूरिस्ट अट्रैक्शन जो चीज़ देखे, मैंने वाटर पार्क है, एक स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू है, क्लॉक टावर एक, तो देखता हूँ इसमें से और कौन सी जगह पे मैं जा पाऊँगा। वैसे भी बहुत सारे हैं प्लानिंग, 3 दिन रहूँगा यहाँ पर, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। हाँ तो गाइस अभी निकल गया हूँ अपना रायपुर देखने के लिए। देखता हूँ अभी एक बूढ़ा तालाब है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का एक स्टैचू है, जो वहाँ पर मैं जाऊँगा। फिर वहाँ से एक फेमस घड़ी चौक है जहाँ पर मैं भी जाने वाला हूँ। देखता हूँ वहाँ जाके मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ, फिर जाके मैं आपसे सबसे बात करूँ। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग बूढ़ा तालाब पहुंच गए हैं, और अभी हम लोग इस तालाब ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, बूढ़ा तालाब। स्वामी विवेकानंद जी का जो स्टैचू है वो अंदर अभी 10 मिनट है, 10 मिनट बाद, अभी तो शायद 2:50 बजे है, 3 बजे गेट खुलेगी, तो उस समय मैं जाके देख सकता हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो, साइड से थोड़ा सा दिखेगा, ये जो आपको दिख रहे हो ये जो है ये स्टैचू है। तो यहाँ पर जाके थोड़ा सामने से हम व्यू लेंगे आप लोगों को अलग से। एकदम सामने पहुंच गए स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के सामने, आप ये देख रहे हो। ये हमारा जो स्वामी विवेकानंद जी का मूर्ति है ध्यान के पोजीशन में, ये है हमारा बूढ़ा तालाब, एक तालाब है, इस तालाब का नाम है बूढ़ा तालाब। इस बूढ़ा तालाब में हमारे तकरीबन हम जहाँ रहते हैं तिकड़ी पड़ा, जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं अमिताभ अंकल के घर पे, वहाँ से एक तकरीबन 3.5 किलोमीटर का दूरी में है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक बूढ़ा तालाब एरिया में, तो ये बहुत ही खूबसूरत बूढ़ा तालाब एरिया में बनाया गया है, और आप देख सकते हो कितना शांत वातावरण है यहाँ पर, काफ़ी पेड़ इलाका है, तो ठंडा हवा भी आ रहा है, तालाब भी है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं घड़ी चौक। हेलो गाइस, मैं अभी महंत घासीदास के संग्रहालय में आ गया हूँ, म्यूज़ियम है जहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे गणेश जी की मूर्ति है, और ये म्यूज़ियम काफ़ी मतलब बड़ा है, तक सिर्फ 5 रुपीज़ का टिकट है। सो हाँ जी ऊपर जाइए, हाँ जी ऊपर जाइए, बंद होएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं घड़ी चौक में आऊँगा, और मैं घड़ी चौक में आ गया हूँ। घड़ी चौक जो है जो वो तकरीबन रायपुर के एकदम सेंटर में है, और वो बहुत ही मतलब पॉपुलेटेड और पॉपुलर जगह है, क्योंकि इस जगह पे अगर आप रहोगे और इस जगह पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा सकता कितना पॉपुलेटेड एरिया है। ये रहा घड़ी चौक, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ।